राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी तीन देशों की यात्रा के लिए अभी अल्जीरिया में हैं। अल्जीरिया की यात्रा के दौरान उन्हें अल्जीयर्स के सिदी अब्देला विज्ञान और प्रौद्योगिकी पोल विश्वविद्यालय द्वारा राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये सम्मान उनके देश के लिए है और शिक्षा के महत्व को राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण बताया। राष्ट्रपति मुर्मू ने अफ्रीकी छात्रों विशेषकर अल्जीरिया के छात्रों के लिए भारत की सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहल के बारे में भी बात की। उन्होंने अल्जीरियाई संस्थानों और छात्रों को भारत के छात्रवृत्ति कार्यक्रमों जैसे कि ITEC कार्यक्रम से लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया, जिसने कई पूर्व छात्रों को उनके देशों में महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचने में मदद की है। राष्ट्रपति ने भारत की प्रौद्योगिकी आधारित विकास और आईटी क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर भी चर्चा की। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी आधारित वित्तीय समावेशन के लाभों का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और अल्जीरिया के बीच ऐतिहासिक संबंध अल्जीरिया के स्वतंत्रता संग्राम के समय से हैं। उन्होंने भारत अल्जीरिया संबंधों के भविष्य के प्रति आशावाद व्यक्त किया। बता दें कि मानद डॉक्टरेट एक विशेष पुरस्कार है जो एक विश्वविद्यालय द्वारा किसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसने किसी विशेष क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, भले ही उन्होंने उसके लिए सामान्य अध्ययन पूरा नहीं किया हो।